जगदीश्वरं सरगरं मायामनुष्यं मरीबन्देहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं रघुपते सत्यं वदामि जप्लं कृत्रात्मा भक्ति प्रेक्ष रघुपुंगमं निर्भराम्ये कामादि दोषरहितां कुरुमानसं च ऋतबल्लामं मैं चैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रमण्यम् सकल गुण निधानम मानाणाम अधीशम रघुपति प्री भक्तम बाद जातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर खेव तुम भाई शही नहीं दुख कन्न मूल कल काय जब लगी आवसी तही देखी होई काज मोहि हरष विशेषी या करिय नय चबिन माता चले हरषी धरि रघुनाता सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर के उपमन तनय बल भारी जहि गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बानाय बाती चले हनुमाना जाने रघुपति दूत विचारी तय बानक होई श्रम हारी हनुमान ते ही पर सागर पुन किन पर नाम राम कार की न बिनु मोह कहा विश्राम जात पवन शुद्ध देख मन देखा जान कहू बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम हंके माता पटही न आय कही तही बाता सुरन मोह दिनारा सुन वजन का पवन कुमारा राम कार कर फिर मैं आवा सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावा तब तव पठन पैठ आई सत्य कहो मोहि जान दिमाई कवन जतन दे रही जान आग्रसिन मोहि कहे हनुमाना जो जन भरत ही बदन पसारा कपितन कीन दुगुन विस्तारा सूरा जो जन सुख दही ठयऊ तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत जो जन देहि आनंद कीन्हा अधि लघु रूप पवन सुत लीन्हा बदन पैठ पुनि बो हरावा माघ विदा तारी सिर नावा मोहि चुरन्नज विलाग पठावा बुद्धि बल मर्म तोर में पावा राम कार्य सब करिहाहु तम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई तो हरिष चले हनुमान निशिचारी एक सिंध मह रहे करी माया नुबे खग गाय जीव जंतु जे गगन उड़ाही जस बिलोक दिन कह पर छाई गए छा सक सो न उड़ाई एव दिशदा गगन चर खाई सो छल हनुमान का गिन्हा तासु कपट कवि तुरत ही चीना ना दही का वाक भी भारी तेही आलोक बाटिका उजार खाए फाल रूपी पट उपारे रक्षक मर्द मर्द मह डारे सुनि रावण बटयु बट नाना तीन देख गरजे हनुमाना सब जजनी चर कभी संघारे गए पुकारत कछु बध मारा पुनि बठाए ते अच्छु कुमारा सदा चंग ले सुबट पारा आवत देख बिटप जहि तर जाता ही निपात महादुन कर जा मारे सिकाज मार दसी कज मैल ऐसी दर दूरी कज गुनि जाए पुकारे प्रभु मार काट बल भूरी सुन सुत बद लंकेश रिशाना पट सि मेघनाथ बलवाना मारिश जने सुत बाद सुताही देख कबई कहा कर आही चला इंद्र तुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपज क्रोधा कवि देखा दारुन भट आवा कटकटाय कर जारु धावा कर जोरे सुर दिश बबली ता भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता
दीर्घ प्रताप न कभी मन शंका जिमी आगे हर बाहु गरुण शंका कभी बिलोक दशान बिहसा करी दुर्बात सुत पद सूरत के नुणे उपजा हृदय विषाद कालंकेश कवन मैं दिशा कीते बल घार शिवन खीसा की दोष रवन सुनई नई मोही देखौ अति संकट सठ तो ही मार निशी चर कपराधा कौ सट तो ही न प्राण कबाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल वीर चति माया जागे बल वीरांच हरई सा पालत सृजन हरत दस शीसा जावल शीस धरत सह शानन अंड कोश समेत गिरि कानन धरै जो विविध दे सुर त्राता तुम ते षडनर्षणानुदाता हर को दंड कठिन जय भंजाति समेत निप दल मद गंजा करदूषण त्रिशिरार वाली वगे सकला तुलित बलशाली जागे बल लावलेश ते देव चराचर झार ताची दूत में जाकरी हरियाने हो प्रिय नार जानो मैं तुम्हारे प्रभु ताई सास बाहु सन परी लगाई समर बाल चन कर जसु पावा सुन कबे वचन बिहासी भी हरावा खाय फल प्रभु लागी भूखा कवि सुभावत तेरे उलूखा सबके देहा परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गामी जिन मोहि मारा ते मारे ते बर्बादे उतरह तुम्हारे मोहि न कछु बांधे कैला जा किन चाहोन च प्रभु कर काजा बिनति कर रजोरी कर रावन सुनो मान तजी मोर सिखावन देखाओ तुम निज कुलहु बिचारी भ्रम तजी बहुरु भय भय भारी जाके डर गति काल डेराई जो सुरासुर चरा चर खाई तासो भयरु कबु नहीं कीजे मोर कहे जान की दीजे प्राणत पाल रघुनायक करुणा सिंध खरारी गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध विसारी राम चरण पंकज उर धरहु लंका चल राज तुम करहु निज पुलास्ति जसु विमल मयंका ते शशि मऊ जान हौ कलंका राम नाम बिनु गिरान सोहा देखु विचारि त्यागि मद मोहा बजन हीन नहीं हो सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी तू दस कांड कहु पन रूपी विमुख राम त्रात्रा नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहिन राखी राम कर द्रोही मोह मूल बाहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान जदपि कहि कपि अति हिय बानी भगति विवेक बिरति नयसानी बोला बिहसि महाभिमानी मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी मृत्यु निकट आई खल तो ही लागसि अधम सिखावन मोही उल्टा होइ कहा हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना सुन कभी बचन बहुत खिसियाना बिगिर हरहु मूर कर प्राणा सुनत निसाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आये नाई निहिष करि विनय बहुता नीति विरोधन मारै दूता आन दंड कछु करै गोसाई सबहि कहा मंत्र बल भाई मिले सकल अति भय सुखारी तलपत वीर पाव जिमी बारी चले हर श्री रघुनायक पासा
पूछत कहत नवल इतिहासा तब मधुबन भी तर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए रखवारे सब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे नाम पारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपार लोचन निज पद जंत्रि जाही प्राण के ही बार चलत मोहि जुड़ा मन दीनी रघुपति हृदय लाए सोईलीनी नाथ जुगल लोचन बरी बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथात सुंदर कवि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गही परम निकट बैठावा कह कपि रावण पालित लंका केही विधि दायु दुर्ग अति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई नाग सिंधु हाटक पुर चारा निशिचर गण विधि विपिन उजारा सो सब तव प्रताप रघुराई नाथन कछु मोरी प्रभुताई ताकौ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बलवान लहे जारी सकल खलु तूल नाथ भक्ति अति सुखदायनी देहु कृपा करियन पायनी सुनि प्रभु परम सरल कवि वाणी एवं मास्तु तव कहेउ भवानी हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कह दिया एवं मस्तु कपिपति भेगी बोलाए आए जू थप जू नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूत प्रभु पद पंकज नावही शीशा गरजही भालु महाबल कीसा देखी राम सकल कपि सेना चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पाक्ष जुत मनहु गिरिंदा हर्षि राम तब किन पयाना सगुन भये सुंदर सुमनाना जोई जोई सगुन जान की होई असगुना भय रावण ही सोई चला कटुक को बरने पारा गरजही बानर भालु पारा। इसमें तेल और डालो तेल डालो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय सुंदर कान जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जेकर ही दिग्गज डोल माही गिरी लोल सागर कर भरे मन हरष सब गंधर्व चुर मुनि नाग किन्नर दुख टरी कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावही जय राम प्रबल प्रताप
आप कौशल नाथ गुण गन गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि प्रभु हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। साखी सहन भार उधार आपति बार बार ही मोहाई, गारसन पुन पुन कमट प्रेष्ट कठोर सौग विसोहाई, रघुवीर रुचिर प्रयान प्रास्थिति जान परम सुहावनी, जानु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अभिचल पावनी। उदार सर्पराज शेष जी सेना का बोझ नहीं सह सकते, बार बार मोहित हो जाते, पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ की दांतों से पकड़ते, ऐसा करते कैसे शोभा दे रहे मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर। उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। ए विधि जाय कृपा निध, उतरे सागर तीर चाहता लागे खान फल, बालू विपुल का बीबी। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी की समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे, जहां निशाचर राई ससंका, जब ते जारी गयो कपलंका, निज निज ग्रह सब करही बिचारा, नहीं निशी चार कुल केर उबारा। लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर चले गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं, कोई उपाय नहीं। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्रावहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारि निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। राम बानहि गण सरिस निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रशतन तब लगी, जातनु कारा हुता जिते। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहारि रघुबीर ही, भजहु भजाई जेहि संत। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हुकर काला, ब्रह्म नाम आज भगवंता, व्यापक अजित नादि अनंता। वो द्विज धेनु देव हितकार, कृपा सिंध मानस तन धार, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षा कृष्ण भ्राता। ताहि बयारुता जी नाई माथा, प्रंतारित भंजन रघुनाथा, देहु नाथ प्रभु कहु बै देही, बजऊ राम बिनु हेतु सनेही। बै देही बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये, वे श्री रघुनाथ जी की शरण का दुख नाश करने वाले। हे नाथ उन सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए। वैदेही का मतलब जानकी जी, मतलब अर्थात सीता जी। देहु नाथ प्रभु कहु वैदेही, बजऊ राम बिनु हेतु सनेही। हे नाथ उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए।
शरण गए प्रभु तातुन त्यागा विश्व द्रोह कृत अगजहि लागा जासु नाम त्रय तापन सावन सोही प्रभु प्रगढ़ समाधु जिय रावन बार बार पद लागौ विनय करौ दस शीश परिहरि मान मोह मद बाजहु कोश लादी राम चंद्र की जय। हे दस शीश, मैं बार बार आपको चरणों लगाता हूं, विनती करता हूं, मान मोह मद को त्याग कर आप कौशल पति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलास्त निज शिष्य सन कही पठही यह बात तुरत सुमै प्रभु सन कही पाई सुअव सरुतार मालवंता जी सजीव सयाना तासु बचन सुनाति सुख माना तात अनुज तव नीति विभूषण सोर धरऊ जो कहत विभीषण रिपुत करस कहत सठ दो दूलिन करऊ याहि को माल्यवंत गृह गयउ बहोरी कहि विभीषण पुनि कर चोरी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री, उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है उन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया। विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे सुमति कुमाति साब के उर रहाई नाथ पुराण निगम आस कहाई जहां सुमति तहां संपति नाना जहां कुमाति तहां विपति निदाना सुमति कुमाति सब के उर रही नाथ पुराण निगमास कही जहां सुमति तह संपत नाना जहां कुमाति तह विपति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं और सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में दुख ही दुख रहता है। तात चरण गई मांगउ राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहु अहित न होइ तुम्हार जियसी सदा सठ मोर जीवावा रिपु कर पाच मूर तुई भावा कासी न खलास को जग माही भुज बल जाई जिता मैं नाही मम पुर बसी तब सिन्न पर प्रीति सठ मिलु जाय तीन गहु नीति आस गए कि नहीं सी चरण प्रहारा अजु गए पद बारही बारा राम सत्य संकल्प प्रभ सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाओ देहु जनि कोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प सर्व समर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूं, मुझे दोष नहीं। आस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जो चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए।
शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभय विनिता ही अभागा, चले उहार श्री रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। दिन पयन के बाद उकन भारत उरहे मन लाई, ते पद आज बिले कहो नया अब जाय, का प्रभु सखा बूझिए कहा, काय कपीस सुनाउ नर नाहा, जाय जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। सुने प्रभु बचन हरष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना, शरणागत कहु जे तजही निजान हित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तीन विलोकत हानि। नाथ दशानन कर्म भाता, निशिचर वंश जनम सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जतालीक तम पर नेहा, श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीन, त्राह त्राह आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। तब लगी कुशल न जीव का सपने हु मन विश्राम, जब लगी भगत राम कहू सुख धाम तजिकाम। तब तक जीवन की कुशल नहीं, न स्वप्न में भी उनके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भसता। अहो भाग्य ममामित राम कृपा सुख पुंज, देखाऊ नयन अभिरांच शिव से बेजुगाल पद कंज। हे कृपा सुख के पुंज श्री राम जी मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चर कमरों को अपने नेत्रों से देखा है। जय श्री राम। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभूषण राखेउ जिनहेउ राजु अखंड, जो संपति शिव रावण ही देन दिए दशमात, सोई संपदा भी विभीषण है सकुचि देन रघुनाथ, कहा लंकेश सुनाउ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव शायक, जात्यव जदपि नीता सिगाई, विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ जी, यद्यपि आप एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। सखा कही तुम नीक उपाय, करेउ देव जाओ हो ही सहाय, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए, यदि देव सहायक हो। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। प्रथम प्रणाम कीन अरिशुनाई, बैठ पुनीत तट दर भट साई, जब ही विभूषण प्रभु पहाए, पाछी रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछा कर बैठ गए। इधर ज्यो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण उनके पीछे दूत भेजे। करे मृखागर मूल सनम मम संदेश उदार, सीता दे मिलाउनत आवा काल तुम्हार,
रुस मूर्ख से जवानी या मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। ई भाई भेंट की फिर गए श्रावणा सुजा से सुनी मोर काशी नरे पुतला तेज बाल बहुत चकित चित चोर रावण दूत हमाही सुनी काना कपिन बांध दीने दुख नाना श्रावण नासिका काटे लागे राम शपद दीने हम त्यागे परम क्रोध मी जाई सब हाता आयुष पैन दे रघुनाथा सो सही सिंधु सहित जस ब्याला पूरा ही न तबारी उधरा विशाला रामानुज दीन ही यह पाति नाथ बचाए जुड़ा बहु छाति बिहसी बाम कर ली नी रावण सचिव बोली शठ लाग बचावन। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर मूर्ख उसे बचाने लगा। बात न मानहि रिझाइ सट जाने घाल सिकुल खीश राम विरोध न उबरसि सराना बेशनु अजीस। पत्रिका में लिखा था अरे मूर्ख केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर, श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। जनक सुथा रघुनाथ दीजे ए तरह कहा मूल प्रभु कीजे जब ते कहा देन बै दे चरण प्रहार की सब ते ही। जानकी जी से श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार दिया। सुना तबीनीत बाचा न आती कहा कृपाल मुस्काई जे विधि उतर कभी कटगु तात सो कहू पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा हे तात जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए यह उपाय बताओ। नाथ नील नल कवि तो भाई लड़काई ऋषि आशीष पाई तिनके परश किए गिरि भारे तारे हाय जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा हे नाथ नील और नल तो बानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाए। मैं है पुनियुर धारी प्रभु प्रभु ताई कार्याउ बाला अनुमान सहाय ए विधि नाद पयो दि बधाई जय सजस लोक तिहु गाय शरम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अगराज तुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत हरि राम रन दीरा देखि राम बल पौरुष भारी हर्ष पयो निधि भयउ सुखारी सकल चरित कहि प्रभु सुनावा चरण बंदी पा तो थी सिधावा। श्री राम जी का भारी बल पौरु देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया, उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु का सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भन गवन सिंधु श्री रघुपति अमत भायउ ए चरित कलिमला हर जथामदितास तुलसी गायउ सुन भावन संशय शमन दबन विषाद रघुपति गुन गना तारी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सट मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री गुरुनाथ जी को ये मत अच्छा लगा ये चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुरु समूह सुख के
धाम। संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले, अरे मूर्ख मन, संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर ही गाओ सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनही तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का संपूर्ण गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भाव सागर को उतर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अस्तोरितिलकं ललाटपट्टले वक्षं स्थले कौस्तुभं नाचाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करकंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपात्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं पुलंदिवर कांत बिंदुवदनम बहार्त वसेत प्रियम श्रीवत्सांकम मुंदार कौतुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनाम ननियोत प्लादजित भंगो गोपशंगावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे। जय श्री राम। आज का ब्लॉग यहीं तक, अगले ब्लॉग में फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इसी तरह भक्ति भावना में डूबे रहे। मातु अन्नपूर्णेश्वरी नमो नमः, गौरी केदारेश्वराय नमो नमः, ओम शीतलाय नमो नमः, विश्वनाथाय नमो नमः, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।